मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो है छठी कक्षा से संबंधित आपका जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी, उसके अंतर्गत कल हमने जो है 10वां अध्याय का अध्ययन किया। आज हम जो है पाठ संख्या 11, जिसका शीर्षक है इसका, इनका, उसका, उनका। तो यहाँ पर बहुत सारे जो दक्षिण भारत के जो कर्नाटक से हैं, तो कन्नड़ बहुत थोड़ा उनको समझ में आता है। तो देखिए, इसका अर्थ है इवन, इनका अर्थ है इधर, उसका अर्थ है अवन और उनका अर्थ है अवर। तो इस तरह जो इसका जो है इस पाठ का हम अध्ययन करने वाले हैं। एक तो का यह एक वचन के लिए वाक्यों में प्रयोग होता है जो आपसे छोटे हैं, और इनका जो है यह बहुवचन वाक्यों में प्रयोग होता है, और यह ज्यादातर बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसका जो है यह एक वचन में वाक्यों में, और आपसे छोटे हैं उनके लिए, और उनका जो है बहुवचन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है और बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका, इनका, इसका बहुवचन रूप है इनका, उसका का बहुवचन रूप है उनका। तो इस तरह यह पाठ जो है इसका शीर्षक है पाठ का वही इनका, इसका, उनका, उसका, उनका। तो पाठ संख्या 11 का हम अब अध्ययन करने जाने वाले हैं। यहाँ भी जो है छोटे छोटे सेंटेंस हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, उनसे आपको पढ़ने में जो है आसानी होगी और पाठ जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पहला यहाँ पर आप घोड़े का, एक घोड़े का चित्र देख रहे हैं। बहुवचन में यह क्या होगा, घोड़े, घोड़ा, घोड़े, यहाँ पर घोड़े, घोड़ा का चित्र आप देख रहे हैं। तो देखिए यह घोड़ा है, तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है निश्चित रूप से, इसीलिए यह घोड़ा है। इसका रंग काला है, तो इसका रंग जो है यहाँ पर काला दिखाया गया है, इसीलिए यह घोड़ा है, इसका रंग काला है। इसका चेहरा सुंदर है, इसका चेहरा जो है सुंदर है, इसका चेहरा सुंदर है। तो उसके बाद जो है इस तरह आपको मेरे साथ उच्चारण करना है, यह घोड़ा है, इसका रंग काला है, इसका चेहरा सुंदर है। आगे देखिए, यहाँ पर एक जो है दुकान है कपड़ों की। तो देखिए यहाँ पर सुरेश हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी यानी नेबरर्स, ठीक है, आपके घर के बगल में रहते हैं उनको हम पड़ोसी कहते हैं। सुरेश हमारे पड़ोसी हैं, तो वह सुरेश जो है हमारे पड़ोसी हैं, यानी ये बड़े हैं, रिस्पेक्ट देना पड़ता है उनको, इसीलिए बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, सुरेश हमारे पड़ोसी हैं। इनका परिवार छोटा है, इनका जो परिवार है वह छोटा है, ठीक है, इस तरह वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। उसके अनुसार देखिए, इनका कपड़ों का व्यापार है, यहाँ पर कपड़ों का जो चित्र है, दुकान का एक चित्र दिखाया हुआ है, तो इनका कपड़ों का व्यापार है, तो इनका कैसा व्यापार है, कपड़ों का व्यापार है। तो देखिए आगे देखिए, यहाँ पर दो जो है, यहाँ पर आपको सहपाठी कह लीजिए या बच्चे दिख रहे हैं। तो देखिए, नवीन मेरा सहपाठी है, तो आपका सहपाठी क्लासमेट के लिए सहपाठी का प्रयोग किया जाता है, तो नवीन जो है मेरा सहपाठी है, नवीन मेरा सहपाठी है, तो आपको कहना है, आपका क्लासमेट है तो हिंदी में क्या कहना है, तो आप नाम अलग भी डाल सकते हैं, रमेश कह सकते हैं, नवीन मेरा सहपाठी है, ऐसे लिखना है। उसके बाद उसका घर हमारे घर के पास है, उसका घर जो है हमारे घर के पास है, तो उसका घर हमारे घर के पास में है, तो दोनों का घर जो है पास में है, ऐसे यहाँ पर आप सेंटेंस फिर से दोहराइए मेरे साथ। तो पहले इसे देखेंगे, उसका भाई वकील है, तो नवीन सहपाठी है, उसका घर जो है पास में है, और उसका भाई जो है वकील है, तो
तो चलिए एक बार फिर से हम उच्चारण करेंगे। नवीन मेरा सहपाठी है, उसका घर हमारे घर के पास है, उसका भाई वकील है। तो इस तरह था। तो चलिए आगे और भी कुछ है यहाँ पर। देखिए यह जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, भले ही एक ही हो। जो महान व्यक्ति हैं, गांधी जी कह लीजिए, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री कह लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको हमेशा जो है बहुवचन में ही जो है वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, यानी भूतकाल पहले हो चुके थे प्रधानमंत्री, तो अब नहीं है, ठीक है। तो शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है, उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है, उनका जय जवान जय किसान का नारा प्रसिद्ध है, उनका जय जवान जय किसान का नारा प्रसिद्ध है। तो इस तरह जो है आज हमने, तो आपने देखा है यहां पर आज हमने इसका प्रयोग कैसे होता है, इनका, यह एकवचन में होता है, यह बहुवचन का रूप वाक्य में प्रयोग होता है, उसका एकवचन में प्रयोग होता है, उनका जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। यहाँ पर सरल वाक्यों के जरिए इनका जो जो सर्वनाम शब्द है उनका यहाँ पर इस्तेमाल होता, आपने प्रयोग होता देख लिया है। तो चलिए अब हम अभ्यास भाग की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है अभ्यास भाग। देखिए यहाँ पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो, सही शब्द चुनकर आपको वाक्य पूरा करना है। हाथी एक जंगली जानवर है, हाथी एक जंगली जानवर है, ठीक है। दो दो यहाँ पर सरल वाक्य हैं, उसे जो है मिलान करने का, यहाँ पर एक वाक्य को पूरा करने का काम करना है। देखिए हाथी एक जंगली जानवर है, डैश शरीर बड़ा है, तो इसकी या उसका, तो हाथी यहाँ पर संज्ञा है, उसके बदले में प्रयुक्त होने वाला। देखिए दूसरा जो वाक्य है उसमें हाथी फिर से नहीं लिया जाता, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो डैश शरीर बड़ा है, तो आपको क्या भरना है वहां पर, सही है, इसका शरीर बड़ा है, ऐसे आपको लिखना है। दूसरा देखिए मोहन कुमार डॉक्टर है, मोहन कुमार ये संज्ञा है, उसके बाद में आपको जो है सर्वनाम में प्रयोग करना पड़ता है शब्दों में। मोहन कुमार डॉक्टर है, डैश अपना अस्पताल है, इनका या इनकी, यहाँ पर मोहन कुमार पुल्लिंग है तो इनका यहाँ पर सही होगा, मोहन कुमार डॉक्टर है, इनका अपना अस्पताल है। तो देखिए आगे देखिए क्या होता है। किशन एक किसान है, किशन नामक एक व्यक्ति किसान है, डैश खेत हरा भरा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, उस यहाँ पर किशन जो है पुल्लिंग है, इसीलिए किशन एक किसान है, उसका खेत हरा भरा है, आपको ऐसे लिखना पड़ता है। उसी प्रकार सोहनलाल व्यापारी है, डैश हीरों का व्यापार है, तो सोहनलाल व्यापारी है, डैश हीरों का व्यापार है, तो यहाँ पर सोहनलाल जो है पुल्लिंग शब्द है इसके लिए, उनका हीरों का व्यापार है, तो सोहनलाल व्यापारी है, उनका हीरों का व्यापार है, ये आपके लिए गृह कार्य है, आप इसे भरकर रखना है। चलिए जोड़कर लिखिए अगला जो है, जोड़कर लिखिए ऐसे है। तो देखिए यहाँ पर घोड़ा, पहले विकल्प में क्या है, घोड़े का चेहरा, दूसरा है नवीन का भाई, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री जी। यहाँ पर दूसरे विकल्प में देखिए प्रधानमंत्री थे, दूसरा है सुंदर है, तीसरा है वकील है। तो हमें यहाँ पर जब भी जोड़कर लिखना है तो इसका सही उत्तर क्या है उसके आगे लिखना पड़ता है। तो चलिए पहला जो प्रश्न का उत्तर देखेंगे, जोड़कर लिखेंगे, घोड़े का चेहरा कैसा है, सुंदर है, तो ऐसे लिखना है, घोड़े का चेहरा सुंदर है। उसी प्रकार नवीन का भाई क्या है,
सही है, नवीन का भाई वकील है, ऐसे सामने आपको लिखना पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे? प्रधानमंत्री। तो कैसे लिखना है? लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे डैश डालकर प्रधानमंत्री थे, ऐसे आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए अध्यापक सिंह जो है इस तरह जोड़कर, आपको जब भी जोड़कर लिखने के लिए कहा जाता है तो आप इस तरह जो है रेखाओं को मत डालिए, ज्यादातर जो है समझ में नहीं आता, इसीलिए पहले इसके आगे सुंदर है ऐसे ही जो सरल जो है वाक्य में लिखे जैसा लिखना है आपको डैश डालकर, तो आपको सही विकल्प इसमें समझ में आएगा, नाभिक की रेखाओं से खींचने से समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर संकेत विधि में देखिए अध्यापक संकेत अलग अलग उदाहरण देकर इसका उनका और उनका का अभ्यास करवाइए। तो आपको इसके अलावा भी जो है यह ग्रह कार्य के साथ साथ इसके अलावा भी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसके अलावा भी इसका इनका उसका उनका जो है सरल वाक्य पांच पांच आपको इसके जो है दो दो वाक्य आपको ग्रह कार्य के रूप में बनाने हैं, जो आप घर में अपने जो है अपने वो जो वाक्य आप यहाँ पर लिखना है। इस तरह आज हमने हिंदी वल्लरी से पाठ संख्या 11 का अध्ययन किया, जिसका शीर्षक था इसका इनका उसका उनका। तो इस तरह आज हमने इसका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन का फिर से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।